अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए मेरी शादी ये के। लव मैरिज थी या अरेंज? अब तो लव ही होती है। ठीक है ठीक है जी। अच्छा तो पहले तो ये अरेंज थी। दो तरह की तनकीद होती है, एक होती है क्रिटिसिज्म फॉर इस्लाह, एक होती है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हम बचपन में तो सारे जो छोटे बच्चे आम गली मोहल्ले में खेलते हैं, हमने भी खेले हैं, जिस तरह गुल्ली डंडा हो गया हमने खेला है, या वो इस तरह की बिलोर बिलोर जैसे उसमें बड़ा माहिर था। मज़े की बात है, बलोर में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे इन माई लाइफ व्हेन आई मीट विद माई वाइफ। साइंटिफिक फील्ड के अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसमें मैं एटलीस्ट अगर वर्ल्ड नहीं है तो पाकिस्तान के टॉप लोगों में अपने आप को देख रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर मेरा क्लब है मानसरा चैलेंजर के नाम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप क्रिकेट क्लब है, और वहाँ से लड़कों ने इवन मतलब ना इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी खेला हुआ है। मेरे करियर में 30,000+ स्टूडेंट गुजरा हुआ है, तो मेरे ख्याल में बाय चॉइस बहुत कम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एज तो वैसे डिजिट होती है, ठीक है जी, ये तो बंदा होता है उसकी एनर्जी होती है। बाद दफ़ा आप 20 साल में आपकी एनर्जी 60 सालों वाली होती है, बाद दफ़ा आपकी बिल्कुल 60 सालों में 20 सालों वाली होती है। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर थे वो मैं खुद मैनेज करता था, मैंने रातों रात ट्यूशन पढ़ाए हुए हैं, रात 10-10 बजे तक मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने BSc के बाद 1 साल ड्रॉप किया इस नीयत से कि मेरे पास यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए सरमाया नहीं था, 1 साल ड्रॉप करके उसमें मैंने इतने पैसे जमा किए, और फिर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया, और पेशावर यूनिवर्सिटी में भी मैं 2 साल तक अपनी स्टडी के साथ साथ जहाँ भी मुझे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती मैं उसको यूटिलाइज़ करके अपने लिए अस्सलाम अप्लाई वालेकुम करता। नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद निसार, और इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, इनकी कामयाबी के हवाले से, फील्ड के हवाले सबको पता है। तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, इनकी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सिकंदर, शुक्रिया कि आप एक मतलब फिर आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। सर, सबसे पहले बताइएगा कि आपने शादी की है, कि ज़्यादातर अक्सर लोग यही सोचते हैं कि सर तो माशाल्लाह काफ़ी स्मार्ट हैं, तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की होती। इस हवाले से आपके क्या कहना है, शादी की है आपने? यकीनन मतलब बाद दफ़ा इस तरह होता है कि मैं चूँकि एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे तक फील्ड में काम कर रहा होता हूँ, तो यस शादी तो मैंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए मेरी शादी ये के। लव मैरिज थी या अरेंज? अब तो लव ही होती है। ठीक है अच्छा ठीक है जी। तो पहले तो ये अरेंज थी, लेकिन मेरे वालदेन की रजामंदी भी इसमें शामिल थी। लेकिन जितना हमें पता है कि वो आपकी जो बेगम साहिबा है वो भी आपके फील्ड की हैं, तो किस तरह फिर फील्ड, दोनों फील्ड मिक्स हो गए और फिर आपकी मुलाकात? मेरी एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी MPhil की क्लास फेलो थी, और अभी करंटली वो भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कलंदराबाद में। अच्छा सर, तो फिर ये लव मैरिज हो गया। अच्छा, इसके अलावा सर आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। सर, बच्चों के हवाले से एक सवाल है कि क्योंकि आपने तो माशाल्लाह केमिस्ट्री में फील्ड में अपना एक नाम बनाया है एक उरूज तक, तो उन बच्चों को भी केमिस्ट्री की तरफ लेकर आएंगे कि नहीं, उनके लिए कुछ और सोचा है आपने? नहीं, बच्चों का तो इस तरह है कि उनके लिए हम ओपन फील्ड छोड़ेंगे, जो उनको अच्छा लगे, जो वो कर सकते हैं वो करें, जो करना चाहते हैं वो करें। हम सिर्फ उनको ये करेंगे कि उनको फैसिलिटेट करेंगे और ये कहेंगे कि जिस फील्ड में भी जाएं और सुपर जाएं। सर, जिस तरह आपका जो फील्ड है वो केमिस्ट्री है, तो मैं अपनी 9th क्लास या मैट्रिक या FSC का देख लूँ, तो उस टाइम हमें केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती थी, तो केमिस्ट्री में फिर PhD करना बड़ा मुश्किल होता है। आप क्या बनना चाहते थे कि स्टार्ट में, फिर आपको केमिस्ट्री आपने किस तरह सेलेक्ट किया, और आपके वालिदैन क्या चाहते थे? हाँ, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आपने बिल्कुल सही कहा, तकरीबन ना मेरे करियर में 30,000+ स्टूडेंट गुजरा हुआ है, तो मेरे ख्याल में बाय चॉइस बहुत कम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बिल्कुल और मज़े की बात यह है कि मेरा भी ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी, मैं LLB करना चाहता था जब मैंने FSC की, जी सर। उसके बाद मैं LLB करना चाहता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो अल्लाह बख्शे उनको फौत हो चुके हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं साइंस पढ़ूँ। और फिर जब BSc में आ गया तो BSc में बॉटनी जोलॉजी और केमिस्ट्री, और उसमें केमिस्ट्री की टीचर थोड़े से उन्होंने हमें बेहतर इंस्पायर किया, इस तरह इसकी तरफ आ गए। और अभी मैं समझता हूँ अगर मैं मतलब LLB करता तो मैं पाकिस्तान का टॉप का वकील होता। सर, स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक अंधेरे से अंधेरे में जाना और फिर दूसरे अंधेरे में आना, तो इसमें फिर स्पोर्ट्स के लिए किस तरह टाइम मैनेज करते हैं? सिकंदर एक्चुअली ना मैं एक जेन्युइन स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, यानी फ़ुटबॉल के अलावा ऑलमोस्ट मैं हर गेम जानता भी हूँ और ख़ुद भी खेली हुई है किसी न किसी लेवल तक। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट में भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं जो मानसरा में किसी और ने नहीं किए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक प्राइवेट सेक्टर में जब हम पढ़ाते थे तो प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्ट का कल्चर बड़ा कम था, तो मैंने एक नेशनल कॉलेज ऑफ साइंसेस में ये स्पोर्ट का कल्चर इंट्रोड्यूस किया। और फिर जब तक मैं वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल रहा,
तो वो स्पोर्ट में उसका एक अपना मकाम था। और उसके बाद फिर मेरा क्लब है मानसरा चैलेंजर के नाम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप क्रिकेट क्लब है, और वहाँ से लड़कों ने इवन मतलब ना इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी खेला हुआ है। और इसके अलावा उसको भी हमने बड़े प्रोफेशनल स्टाइल से हम मैनेज करते हैं। तो स्पोर्ट एक दो साल पहले तक तो मैं पर्सनली खुद भी इवन हर इवेंट में जाता था और 5-4 साल पहले तक खुद खेलते भी थे। अब थोड़ा सा ये है ना कि ज़रा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, और फिर भी कभी कभार मतलब वीकेंड पे हम इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व, अच्छी खेली हुई है। बास्केटबॉल में बहुत अच्छा खेलता था, और वॉलीबॉल चूँकि मेरा तल्लक बालाकोट से और वहाँ पर वॉलीबॉल का बड़ा कल्चर है, तो इसलिए मैं उसमें मतलब फिर जब कॉलेज में और लेटर ऑन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टीम का मैं ऑफिशियल कमेंटेटर था, तो इसलिए मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। और बाद में भी ज़ाहिर है कि जब मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता था तो कॉलेजेस के पास ज़्यादातर बड़े ग्राउंड नहीं होते, छोटे ग्राउंड होते हैं, वहाँ पर वॉलीबॉल अरेंज हो सकता है, तो ये भी एक वजह समझ सकते हैं। सर ये जो वॉलीबॉल हैं, क्रिकेट हैं, फुटबॉल हैं, टेनिस है, वट एवर जितने भी हैं, टीनेज के तकरीबन ये गेम हैं, बचपन के गेम्स कुछ अलग किस्म के होते थे, कौन सा कोई ऐसा बचपन का गेम था जो अभी भी आप फील करके रहे बस वो मैं अभी भी खेलूँ? हम बचपन में तो सारे जो छोटे बच्चे आम गली मोहल्ले में खेलते हैं हमने भी खेले हैं, जिस तरह गुल्ली डंडा हो गया हमने खेला है, या वो इस तरह की बिलोर, यस उसमें बड़ा माहिर था, मज़े की बात है, बिलोर में खेलता था और बहुत अच्छा, बल्कि इवन ना इस तरह होता था कि हमारे इलाके में जब हम खेलते थे तो जब मैं खेलता था मुझे लोग नहीं खिलाते थे कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट था, तो वो खेले हैं सारे। हमारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते, और इवन अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, हॉस्टलाइड जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्टल में पड़े रहते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, क्या ऐसी कोई रीज़न है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते बारे में? अगेन आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ, मैं अक्सर जगहों पर ये कहता भी हूँ, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के बाद अगर कोई बेस्ट एक्टिविटी है वो स्पोर्ट है, तो स्टूडेंट को स्पोर्ट में इंडल्ज होना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में आजकल जो ये सोशल मीडिया हर एक के हाथ में आ गया है ना, इसकी वजह से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकल गेम से दूर होते जा रहे हैं, और इसका बड़ा एक बैड इम्पेक्ट है स्टूडेंट के ऊपर, उनकी मतलब फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, उनकी फिज़िक्स के ऊपर, और इवन ना जब ये आप मोबाइल्स गेम पे या मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। पहले आज से 5-10 साल पहले जो लोग फिज़िकल गेम खेलते थे तो वो थकावट होती थी, रात को पूरी नींद होती थी, खाना ठीक ठाक फिर हो जाता था, तो अब इन वजह से बच्चों का ये खाने का भी प्रॉब्लम हो चुका है, फिर नींद का प्रॉब्लम हो चुका है, फिजिक्स वाइज प्रॉब्लम हो चुका है। तो मेरा ख्याल है मैं स्टूडेंट को एडवाइस करूँगा कि आप दोबारा मैदानों की तरफ आएँ, दोबारा मतलब मर्दों वाले खेलों में हिस्सा लें, और ये मोबाइल से जितना अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। सर तकरीबन पिछले 4-5 महीनों से अगर हम कौमी सियासत को देख लें तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, उतार चढ़ाव तो हर चीज़ में है, लेकिन सियासत हमारी हमने अभी तक नहीं देखा, और इवन अगर ये बदकिस्मत है कि पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म 5 साल वो अपना जो टेन्योर वो कम्प्लीट नहीं कर गया, तो इस हवाले से आपका पर्सनल अप्रोच क्या है कि सियासत क्यों ख़राब है हमारी, क्यों इनकी आपस में नहीं बन रही? अगेन आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। पॉलिटिक्स सिनेरियो में अगर आप देखें, जितना मैं समझता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये हमारी बदकिस्मती आप समझ लें कि अभी तक हमें वो पॉलिटिकल सिस्टम या वो उस टाइप की डेमोक्रेसी नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। और जब आपकी इस तरह की तरतीब होती है कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसमें सिर्फ फिर एक शुबा नहीं, सारे शुबे पीछे आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी शुबा उठा कर देख लें, वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो लॉ एंड आर्डर हो, वो पब्लिक अप्रोच हो, मतलब हर चीज़ जो भी देखेंगे वो आलमोस्ट पीछे की तरफ जा रही है, आगे नहीं जा रही। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इस तरह होना चाहिए कि जो भी पार्टी आए उसको पूरी टर्म मिलनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम फिर हम जो लोग होते हैं परफॉर्मेंस बेस पे हमें फैसला करना चाहिए, ये तो आवाम को फिर देखना चाहिए। सर हर कामयाब इंसान, छोटी हो या वो बड़ी कामयाबी हो, लेकिन लोग तनकीद शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी लोगों ने तनकीद भी किया होगा, उस तनकीद को किस तरह बर्दाश्त करते हैं? तनकीद दो तरह की तनकीद होती है, एक होती है क्रिटिसिज्म फॉर इस्लाह, एक होती है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम उसे इग्नोर करते हैं और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेते हैं, और उसको पॉजिटिव लेकर और ज़्यादा एफर्ट करते हैं। ज़रा जब आप लोग आपको पहुँच नहीं सकते, आपको मैच नहीं कर सकते, आपको कम्पीट नहीं कर सकते, तो फिर ये वाला वर्जन इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभार बार दफ़ा जब पर्सनल अटैक होते हैं तो फिर रिप्लाई भी करना पड़ता है, और कोशिश तो करते हैं ना करें, लेकिन कभी कभार हो जाता है। सर फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है जो आपके फील्ड हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, और आप क्या करना चाहते हैं? मैं
शायद इसी महीने के अंदर अंदर पीएचडी के लिए मूव करूँगा चाइना। फ्यूचर में मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को साइंटिफिक फील्ड के अंदर, जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसमें मैं एटलीस्ट अगर वर्ल्ड नहीं है तो पाकिस्तान के टॉप लोगों में अपने आप को देख रहा हूँ इंशाल्लाह। और बाकी बंदा मेहनत कर सकता है, बाकी तो कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो सोच तो बहुत बड़ी है कि, और अल्लाह ताला ने मौका भी दिया है, यानी अभी तक भी मैं जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में मेरी एज का कोई बंदा इसके करीब करीब भी नहीं होगा। सर मुख्तलिफ हालात आते हैं, रुकावटें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो कभी मायूसी फील की है, कभी ना उम्मीद हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टफ हालात में और टफ हो जाता हूँ। जब सख्त हालात होते हैं तो उसमें बेटर परफॉर्म करता हूँ। मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग आदमी हूँ, आई हैव स्टील नर्व्स, कि उसमें मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हूँ और ज़्यादा उभर कर आ जाता हूँ। सर अक्सर हम देखते हैं कि हर स्टूडेंट को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री हैं, तो उसमें अगर आप ऊपर जाएं ग्रेजुएशन के लिए तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। अगर ऐसी कभी आपके साथ हुआ है इशू, फाइनेंशियल इशू फेस की हो, फिर किसी दोस्त ने आपकी हेल्प की हो? हाँ बिल्कुल, मतलब हम तो मिडिल भी नहीं बल्कि लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। एक तो मेरी लाइफ का अक्सर मैं जब बैठता हूँ सोचता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे इन माई लाइफ व्हेन आई मीट विद माई वाइफ। एफएससी के बाद जितना भी ना मेरे एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर थे वो मैं खुद मैनेज करता था। मैंने रातों रात ट्यूशन पढ़ाए हुए हैं, रात 10-10 बजे तक मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने बीएससी के बाद एक साल ड्राप किया इस नीयत से कि मेरे पास यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए सरमाया नहीं था। एक साल ड्राप करके उसमें मैंने इतने पैसे जमा किए और फिर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं 2 साल तक अपनी स्टडी के साथ साथ जहाँ भी मुझे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती मैं उसको यूटिलाइज़ करके अपने लिए अर्निंग करता था। और मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि भाई वालदैन पर कम से कम बोझ बने, जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो अपने लिए खुद करो। सर जिनके ज़िंदगी में तो खुशी गमी लाजमी ये पार्ट हैं, गम पे तो हम फोकस नहीं करते, लेकिन खुशी का कोई लम्हा हो जो अभी भी आपको याद आ जाए तो फिर आप हंसते हैं या खुश हो जाते हैं, कौन सा कोई लम्हा है? मेरी लाइफ में इस तरह के एक दो मोमेंट हैं। एक तो मेरी लाइफ का अक्सर मैं जब बैठता हूँ सोचता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे इन माई लाइफ व्हेन आई मीट विद माई वाइफ। सेकेंड वन, मैंने लास्ट ईयर एक 2016 का नोबेल लॉरिएट है सर फ्रेज़र, उनके को मैंने सेशन दिया हुआ है और वो मेरी लाइफ का ना पीक मोमेंट है कि मैंने इस एज में और इस क्वालिफिकेशन के साथ एक वर्ल्ड के बेस्ट आदमी के साथ सेशन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फ़ख्र है। सर माशाल्लाह आप तो कंफर्म जन्नती हैं, क्योंकि हमने आपका एक लेक्चर सुना था तो आपने जिसमें ज़िक्र किया था तो कि इस केमिस्ट्री की वजह से आप जन्नत में जाएंगे, तो हमारे लिए फिर दुआ ही करें। और उस लेक्चर के पीछे बैकग्राउंड क्या था सर? सिकंदर एक्चुअली ना मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये नीतों के मामले होते हैं, जिस भी लगता है ये मेरे किसी स्टूडेंट ने बनाई होगी या किसी जानने वाले ने बनाई होगी, मुझे नहीं पता कि उसने किस नीयत से बनाई है, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ है और आप भी मैं समझता हूँ। ज़ाहिर है मैं एक जिस पेशे से मुंसलिक हूँ मैं उसमें आनेस्ट हूँ, अगर मैं इस पर कमिटेड हूँ, डिवोशन से काम करता हूँ और जो मेरे फ़राइज़ हैं उसको मैं पूरे करता हूँ, तो रिज़्क के हलाल है न इबादत है, नबी सल्लम की हदीस है। तो मैं अब भी समझता हूँ कि मैं अगर अपने प्रोफेशन के साथ, जो केमिस्ट्री मेरा प्रोफेशन है, मेरा फील्ड है, मैं डेडिकेटेड हूँ, कमिटेड हूँ, आनेस्ट हूँ, तो मुझे अल्लाह से ये कभी उम्मीद है कि ये मुझे लिंक करेगा आला किस्म की जन्नत में इंशाल्लाह। सर एज तो वैसे डिजिट होती हैं, क्योंकि ये तो बंदा होता है उसकी एनर्जी होती है, बाद दफ़ा आप 20 साल में आपकी एनर्जी 60 सालों वाली होती है, बाद दफ़ा आपकी 60 सालों में 20 सालों वाली होती है, तो एक्चुअल एज मेरी अराउंड 35 है।